आज मैं बनाने जा रही हूँ करवा चौथ के लिए स्पेशल छुआली। मीठी पूरी भी कह सकते हैं। उसके लिए आटा चाहिए 1 कप और 3 चम्मच चीनी चाहिए, गोला कसा हुआ और 4 बादाम बारीक कटे हुए। चलो हमें उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में ये आटा डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच घी या रिफाइंड कुछ भी डाल सकता है मोन के लिए, डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेता है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए हमारा ऐसे पेड़ा सा बना होना चाहिए। दूसरी साइड हम चीनी डाल लेते हैं। बर्तन में हम चीनी डालकर और 1 कप पानी डालकर चाशनी बना लेते हैं। हमारी बन गई है चाशनी, में से ठंडा होने रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, हम इसमें धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छा से एक डो बनकर तैयार, जब थोड़े थोड़ा तेल लगा ले। हमारा डो रेडी हो चुका है। इसे हम हल्के हाथों से ऐसे ऐसे लोई बना लेंगे और चकले पे ऐसे कर लेंगे। इन्हें हाथों से ही ऐसे ही बड़ा कर लेंगे। हमने ये छोटी छोटी हाथ से पेड़े बना लिए, इनमें बादाम और ये गोले का ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। हमारी सभी लही इस तरह बना लिए। अब हम इन्हें तल लेते हैं। पहले एक साइड से सिकने देंगे धीमे धीमे आंच पे, फिर दूसरी साइड से इन्हें पलटते देंगे। एक साइड से हमारी बन चुकी है, अब दूसरी साइड से इसे लाइट ब्राउन होने देंगे, क्योंकि ये बाद में रखी हुई भी डार्क हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से ये फूली है, अब कितनी अच्छी पक रही है और दिख भी रही है। हमारी सभी पूरियाँ बन पूरी कह सकते हैं, आप सुवाली भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारी मीठी पूरियाँ सुवाली बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर और खाने में भी टेस्टी बनी है। आप अपनी करवा चौथ पर जरूर सास को थाली में करुए पे रखकर जरूर दें आप बनाए इसे। ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट देख सकते हैं आप और नरम बनी हुई है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए।